माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और बच्चों, अभी हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ए ड्रिंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लाइन टेक्स 5 steps फॉरवर्ड एंड 3 steps बैकवर्ड, फॉलोड अगेन 5 steps फॉरवर्ड एंड 3 steps बैकवर्ड एंड सो ऑन। Each step is 1 meter long and requires 1 second. So plot the x t graph, यानी displacement time graph for his motion. Determine graphically and otherwise how long the drinker takes to fall in a pit 13 meter away from the start. बच्चों, according to this question, a person जिसने drink किया हुआ है, बच्चों वो 5 step फॉरवर्ड मूव करता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से और 3 step बैकवर्ड मूव करता है। और बच्चों, हर स्टेप में उसको 1 second लगते हैं। तो बच्चों, हमें उसकी मोशन का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। और बच्चों, जहाँ से वो मोशन स्टार्ट करता है वहाँ से 13 मीटर दूरी पर एक पिट है, यानी एक गड्ढा है। तो हमें डिटरमाइन करना है कि वो पर्सन कितनी देर में उस पिट में गिरेगा। तो बच्चों, हम उस पर्सन की मोशन की एक जनरल एनालिसिस कर लेते हैं। तो बच्चों, टाइम टी इक्वल टू जीरो यानी स्टार्टिंग टाइम पर वो रिफरेंस पॉइंट पर है, यानी जहां से वो अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है। तो बच्चों, वो 5 second में 5 step फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो 5 step का मतलब 5 meter वो आपका जो इस रिफरेंस पॉइंट है उससे आगे डिस्प्लेस हुआ। तो बच्चों, अब यहाँ से नेक्स्ट 3 second में यानी 5 + 3 8 टाइम पर यानी 8 सेकंड में बच्चों, वो अब यहाँ से जब ये 5 meter डिस्प्लेस हो चुका है तो 3 meter बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज हेयर, दैट इज द 5 - 3, दैट इज द 2। तो हम बोल सकते हैं 8 second पर उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट 2 meter होगा। अब बच्चों, वो पर्सन नेक्स्ट 5 second में 5 step फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है और हर स्टेप की लेंथ 1 meter है। सो बच्चों, 8 + 5 दैट इज द 13। और बच्चों, वो 5 meter फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो 2 + 5 दैट इज द 7। यानी बच्चों, 30th second पर वो पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट से 7 meter दूरी पर है, या हम बोल सकते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट 7 meter है। अब बच्चों, नेक्स्ट 3 second में वो 3 step बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो नेक्स्ट 3 second दैट इज द 13 + 3 दैट इज द 16, और 3 meter बैकवर्ड डायरेक्शन तो 7 + 3 दैट इज द 4 meter। हम बोल सकते हैं 16th second में उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट 4 meter है। अब बच्चों, नेक्स्ट 5 second में वो पर्सन 5 meter फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो फ्रॉम हेयर 16 + 5 दैट इज द 21, एंड 5 meter फॉरवर्ड सो 4 + 5 दैट इज द 9। यानी 21th second में बच्चों उसका डिस्प्लेसमेंट 9 meter होगा। अब बच्चों, नेक्स्ट 3 second यानी 21 + 3 दैट इज द 24 सेकेंड में बच्चों, अब ये 3 meter आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो 9 + 3 दैट इज द 6 meter। हम बोल सकते हैं 24th second में उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट 6 meter है। अब बच्चों, वो पर्सन 5 step फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और उसको 5 second लगेंगे। सो 24 + 5 दैट इज द 29, एंड 5 step फॉरवर्ड सो 5 meter इन फॉरवर्ड डायरेक्शन तो 6 + 5 दैट इज द 11 meter। अब बच्चों, वो पर्सन 3 step बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जो टाइम लगेगा बच्चों वो 3 second लगेगा।
So 29 plus 3, that is the 32, and 3 step backward from here, so 11 minus 3, that is the 8 meter. हम बोल सकते हैं 32th second पर उसका displacement 8 meter है. अब बच्चों वो next 5 second में 5 step forward direction में move करेगा. So बच्चों 32 plus 5, that is the 37, and 8 plus 5, that is the 13 meter. और बच्चों जहां पर एक गड्ढा है यानी 13 मीटर डिस्प्लेसमेंट के बाद में वो उस पिट में गिर जाएगा बच्चों, अब वो वापस नहीं आएगा. तो बच्चों हम बोल सकते हैं उस ड्रिंकर्ड को उस पिट में जो कि इनिशियल पोजीशन से 13 मीटर आगे है, उसको 37 सेकंड लगेंगे. अब बच्चों हम इस पर्सन की मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. बच्चों देखिए, टाइम को मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर किया है और डिस्प्लेसमेंट को मैंने वाई एक्सिस के अलोंग कंसीडर किया है. तो बच्चों आपने टेबल तो कंस्ट्रक्ट कर ही ली है, तो इस टेबल के हिसाब से अब आप अपने ग्राफ को ट्रेस कर सकते हैं. अब बच्चों हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो बच्चों 5th सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, सो दिस इज द 5th सेकंड, दिस इज द 5. तो बच्चों ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि 5th सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है. तो बच्चों ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है 0 टू 5 सेकंड के लिए. बच्चों नेक्स्ट 3 सेकंड बाद यानी 8th सेकंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है. और बच्चों ये वाला पॉइंट 8 सेकंड पर 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है. तो बच्चों ये जो ग्राफ है मुझे 5 टू 8 सेकंड की मोशन को इंडिकेट कर रहा है, यानी 5 टू 8 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये लाइन है. अब बच्चों 13 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 7 है. तो बच्चों आप देखिए 13 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 7, तो बच्चों ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि 13 सेकंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7 है. तो बच्चों ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इंडिकेट कर रही है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को इन द टाइम इंटरवल 8 टू 13 सेकंड. अब बच्चों 16th सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 4 है. तो बच्चों ये 16th सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 4 को ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है. तो बच्चों 13 टू 16 टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बच्चों ये स्ट्रेट लाइन होगी. अब बच्चों 21th सेकंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 9 है. तो बच्चों ये लाइन इंडिकेट कर रही है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन टाइम इंटरवल 16 टू 21. अब बच्चों 24th सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 6 है. तो बच्चों ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है 24th सेकंड एंड 6 मीटर. अब बच्चों जहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को इंडिकेट कर रही है इन टाइम इंटरवल 21 टू 24. अब बच्चों 29th सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 11 मीटर है. तो देखिए बच्चों 29th सेकंड डिस्प्लेसमेंट इज 11, तो ये पॉइंट आपका इंडिकेट कर रहा है कि 29th सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 11 मीटर है. अब बच्चों ये जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये आपका टाइम इंटरवल 24 टू 29 सेकंड के लिए है. अब बच्चों 32th सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है. तो बच्चों यहां पर देखिए 32th सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट इज 8, तो ये पॉइंट आपका इंडिकेट कर रहा है कि 32th सेकंड पर जो पर्सन है उसका डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है. अब तो बच्चों आप इस लाइन को समझ ही गए होंगे. नेक्स्ट फाइनली 37 सेकंड पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो है वो 13 मीटर है. तो बच्चों ये जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि 37th सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 37 है.
और बच्चों ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व को बिटवीन द 32th सेकेंड टू 37 सेकेंड। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि ये ग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ओके बच्चों।